मारुति सुजुकी ओमनी वैन कार है फ्रेंड्स, और इस गाड़ी के अंदर रियर व्हील बेयरिंग है वो गया हुआ है। तो कस्टमर का कंप्लेंट ये था कि पीछे के व्हील में से कुछ नॉइस आ रहा है, तो खोला है फ्रेंड्स हमने ये ड्रम निकाल के, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस गाड़ी के अंदर नॉइस आ रहा है फ्रेंड्स, वो व्हील बेयरिंग चली जाइए इसलिए। तो ये प्ले हो गया है, शायद आपको कैमरे में दिखाई दे। ये भी प्ले नहीं होना चाहिए, खड़ा प्ले। तो ये प्ले होने की वजह से फ्रेंड्स ये नॉइज भी कर रहा है व्हील, जब गाड़ी चलाते हैं तो हमिंग भी आ रहा है, और ये यहाँ पे मेन जो है ड्रम है वो यहाँ से घिस गया, आप देख सकते हो शायद। तो ये पार्ट घिस गया है फ्रेंड्स यहाँ के छू के। ये दोनों बीच में जो घिसी में वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो जब भी ये प्ले लगेगा तो ये भी उनकी जगह पे ड्रम घूमना चाहिए, वो जगह पे घूमेगा नहीं ड्रम, और ये आउट घूमेगा तो ये अंदर की ओर और बाहर की ओर दोनों की तरफ से ये घिस जाएगा। अब यहाँ से भी देख सकते हो, तो ये मेन प्रॉब्लम ये प्ले का ही है फ्रेंड्स। तो ये न्यू बेयरिंग डालने वाले हैं कंपनी का जेन्यून। सारा एमरे निकला हुआ है यहाँ से, तो फ्रेंड्स ये 12 के 4 बोल्ट निकालने के बाद ये पूरा एक्सल बाहर आ जाता है, तो मैंने यहाँ से एक्सल बाहर निकाल लिया है। तो आप देख सकते हो बेयरिंग का क्या पोजीशन है अभी। उनके एक एक बोल निकल रहे हैं वापस नीचे से। अगर थोड़ा टाइम और चलाते तो गाड़ी रास्ते में रहती, आप देख सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, ओनली बोल हिलाया और ये बाहर आ गया है। आप देख सकते हो ये बोल तो पूरा कट गया है, आधा ही ये बोल्ट पूरा गोल होना चाहिए। अबे बोलने लूची ना। तो ये कॉलर भी पूरा अंदर रह गया है, और ये न्यू बेयरिंग हम डालवाने जाएंगे प्रेस में अभी जेन्यून है। तो ये MGP का बेयरिंग निकाला फ्रेंड्स बाहर, आप देख सकते हो। और ज़्यादातर कस्टमर भी पूछते, और मेरा भी कहना है आपको कि MGP का बेयरिंग है ये, और इसके अंदर निकला हुआ है FAG फैग, आप देख सकते हो ये। तो FAG, SKF ये सब कुछ जेन्यून ही मटेरियल होता है। अगर आपको ये जेन्यून नहीं मिल रहा है तो आप SKF या FAG बेयरिंग फैग बेयरिंग भी डाल सकते हो। तो ये सब पूरा बेयरिंग होना चाहिए। तो ये तो ओनली फॉर कॉलर निकला हुआ है, इनके बीच में बॉल रहेंगे ऐसे छोटे छोटे। तो सलमान भाई ने ये बॉल भी क्लीन करके हमको दे दिया है, आप देख सकते हो कितना कट गया है। और ये ऐसे बॉल होना चाहिए गोल। फ्रेंड्स न्यू बेयरिंग प्रेस पे इंस्टॉल हो गया है एक्सल पर, हमने लेथ वाले के पास काम करवा दिया ये,
आप देख सकते हो बेरिंग के अंदर कुछ प्ले प्ले नहीं है, इस तरीके से रहना चाहिए, ये पुराना है। आप देख सकते हो एक इसके बोल भी अलग हो गए, अपर का अंदर वाला और बाहर वाला दोनों कॉलर भी अलग है। तो अंदर वाला कॉलर तो हमने लेथ पे कटवा दिया और ये न्यू बेरिंग इंस्टॉल कर दिया है, तब इसको क्लीन करके इंस्टॉल कर देंगे इसके अंदर भी। अब इसके अंदर थोड़ा सा भी प्ले नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अब कोई प्ले नहीं है फ्रेंड्स, परफेक्ट है जो पहले प्ले था। फ्रेंड्स जो पहले प्ले था वो कोई प्ले नहीं है, अब परफेक्ट है। तो इसको क्लीन करके बिठा देने वाले हैं।